मोदी सरकार ने कोरोना काल में परेशान हो रहे किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने का फैसला लिया है। आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में रवी की फसल की कीमत बढ़ाने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने 6 तरह के अनाजों की सरकारी खरीदारी के लिए समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। गेहूं का सरकारी मूल्य पहली बार 2000 के पार गया, यानी इस बार कीमत 1975 न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 2015 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। पिछले 7 सालों में गेहूं की कीमत 1400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2015 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच चुका है, जबकि सरकारी खरीदारी में लगभग 20 मिलियन टन की बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 2021 से 22 में 1975 रुपये प्रति क्विंटल रही, उनमें तकरीबन 40 रुपये का इजाफा किया गया है। यानी अगले साल जब किसान अपनी गेहूं को जब बाजार में बेचे जाएंगे तो उन्हें अब 2015 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलेगा। सरकार ने अपने आंकड़ों में बताया कि गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2021 से 22 में 1975 रुपये क्विंटल है, जबकि उसकी लागत मूल्य 960 रुपये प्रति क्विंटल तक बताया किया गया। इस घोषणा में लागत मूल्य को बढ़ाकर अब 1008 रुपये कर दिया गया है। MSP की वास्तविक बढ़ोतरी 40 रुपये प्रति क्विंटल करते हुए 2015 तक पहुंचा दिया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट कर जानकारी दिया कि विपिन सज्जन 2022 से 23 के लिए रबी फसलों के लिए MSP में बढ़ोतरी केंद्रीय बजट 2018-19 में घोषित लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर MSP तय करने के सिद्धांत के अनुरूप है। केंद्र सरकार के इस फैसले से किसानों की आय अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी और उनकी आय दुगनी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।